हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज बताऊंगा जन सूचना अधिकारी कौन होते हैं, इनके बारे में। सहायक लोक सूचना अधिकारी कौन होते हैं? तो सबसे पहले जन सूचना अधिकारी के बारे में। जन सूचना अधिकारी यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 5 की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम की अधिनियमिति के 100 दिनों के भीतर इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना प्रदान करने के लिए इसके अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इतने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जितने आवश्यक हो। तो लोक सूचना अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? लोक सूचना अधिकारी का कार्य नागरिकों के सूचना के अनुरोध पत्रों या आवेदन पत्रों पर कार्रवाई कर सूचना की मांग करने वाले नेत्रहीन, विकलांग या अनपढ़ व्यक्तियों के अनुरोध पत्रों को तैयार करने में सहायता करना होता है। यदि मांगी गई सूचना किसी दूसरे विभाग या लोक प्राधिकारी से संबंधित हो तो उस आवेदन पत्र को 5 दिनों में संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित करें, यानी कि आगे बढ़ाना, और लिखित रूप से इसकी सूचना अनुरोधकर्ता को भी देना। वह आवेदन देने वाले के आवेदन पत्रों को निपटाता है तथा जहां आवेदन लिखित रूप में नहीं दिया जा सकता है इसको लिखित रूप में देने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। वह अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने के लिए किसी दूसरे अधिकारी की सहायता ले सकता है। यदि वह निश्चित अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय नहीं लेता है तो इस आवेदन को इनकार किया जाना माना जाएगा। यदि जब आवेदन पत्र रद्द किया जाता है तो वह इसकी निम्न कारणों के बारे में आवेदक को सूचना देगा। रद्द करने के कारण, वह अवधि जिसके भीतर इसे रद्द करने के खिलाफ अपील की जा सकती है, अपीली अधिकारी का पूरा ब्यौरा। इसके बाद सहायक लोक सूचना अधिकारी किसे कहते हैं? आम नागरिकों को सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सुदूर कार्यालयों में न जाना पड़े इसके लिए अधिनियम में सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी 100 दिन के भीतर निर्धारित अवधि में ही की जानी चाहिए एवं ऐसे सहायक लोक सूचना अधिकारी उपमंडल स्तर पर व दूसरे उपजिला स्तर पर नियुक्त किए जाने चाहिए। इन सहायक लोक सूचना अधिकारियों का मुख्य कार्य अपने स्तर पर सूचना अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं अपील प्राप्त करना होगा। ये अधिकारी उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तुरंत उसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को भेजेंगे। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो।